दोस्तों कैसे आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब जरूर अच्छे होंगे। तो ऐसे में आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बातें करने वाले हैं। देखिए, आप कहीं भी देखे होंगे कि आईफोन एक्स जो होता है ना, 70-80 हज़ार, 90 हज़ार का फ़ोन जो है आपको कहीं मिल जाता है 10 हज़ार रुपये में, वो भी नया आईफोन एक्स। मतलब नया आईफोन एक्स जिसका दाम है 80-90 हज़ार रुपये, वो आपको मिल जा रहा है मात्र 10 हज़ार रुपये में। तो ऐसे में ये जो 10 हज़ार में मिल रहा है आपको आईफोन एक्स, ये आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? मतलब लेना है तो क्यों लेना है, और नहीं लेना है तो क्यों नहीं लेना है, इसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे। तो आपको अगर जानना है ये जो चीप प्राइस में आता है आईफोन एक्स जैसा फ़ोन 10 हज़ार रुपये में मात्र, तो ये सब फ़ोन को लेना है कि नहीं लेना है, तो ये सारी चीज़ अगर आपको जानना है तो वीडियो को देखते रहिए, आपको सारी चीज़ पता चल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज, आप देख रहे हैं मेरे और आपके अपने चैनल टेक्निकल बार्गेनिंग। और इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे जो चीप प्राइस में मिलता है ना आईफोन वगैरह, आईफोन एक्स जैसा फ़ोन 10 हज़ार रुपये में मिल जाता है उसके बारे में। दोस्तों देखिए, आईफोन खरीदने का भूत जो है हम सब में सवार रहता है हमेशा से कि भाई आईफोन खरीदना है तो खरीदना है। लेकिन जो आईफोन एक्स जैसा फ़ोन बहुत ही महंगा होता है, तो उतना पैसा कभी कभी हम लोग के पास हो नहीं पाता है। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, जो चीप प्राइस में मिल रहा है आईफोन एक्स जैसा फ़ोन 10 हज़ार रुपये में मिल रहा है, इस टाइप का फ़ोन के ऊपर हम लोग रुझान हो जाते हैं। मतलब इस टाइप का फ़ोन जो चीप प्राइस में मिल रहा है उसको खरीदने का मन बना लेते हैं। तो देखिए, आपको मैं साफ साफ बताना चाहूँगा, ये जो आईफोन एक्स जैसा फ़ोन जो चीप प्राइस में मिल जा रहा है 10 हज़ार रुपये में आपको, तो ये सारे फ़ोन डुप्लीकेट रहता है। मतलब जो है चाइनीज़ फ़ोन रहता है वो, सीधा सीधी बात सुनिए, सारे फोन डुप्लीकेट मतलब एकदम बेकार क्वालिटी चाइनीज़ फ़ोन रहता है। मतलब दोस्तों ये फ़ोन जो है खाली दिखाने का आईफोन रहता है, लेकिन अंदर से पूरा खोखला रहता है, पूरा बेकार रहता है। मतलब जो घटिया क्वालिटी का चाइनीज़ फ़ोन होता है ना, जो एकदम घटिया क्वालिटी का चाइनीज़ फ़ोन वगैरह जो आप देखते होंगे कहीं कहीं, तो उस टाइप का रहता है ये फ़ोन। खाली दिखाने का आईफोन है, बात भाई के अंदर में कुछ नहीं है, एकदम बेकार चीज़ भर दिया हुआ रहता है अंदर में। तो इस फ़ोन खरीदने का पीछे एक ही लॉजिक हो सकता है, वो है दिखावा। मतलब आपको अगर दिखावा करना है कि भाई मेरे पास आईफोन एक्स है तो आप खरीद लो, बात बाकी दिखावा के अलावा इस फ़ोन को खरीदने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। क्योंकि इस फ़ोन में आपको कोई भी चीज़ ढंग का नहीं मिलेगा। मतलब 10 हज़ार रुपये इस फ़ोन के लिए आप दे रहे हैं, लेकिन आपको क्या मिल रहा है, एकदम बेकार सा फ़ोन मिल रहा है। खाली एप्पल का लोगों के लिए आप 10 हज़ार रुपये दे रहे हैं, वो भी डुप्लीकेट फ़ोन आपको धरा दिया जा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले बातें कर लेती है जो घटिया क्वालिटी का, मतलब डुप्लीकेट आईफोन एक्स रहता है, इसका डिस्प्ले के बारे में, कि इसमें आपको कैसे डिस्प्ले देखने को मिलता है। देखिए, इसमें एकदम थर्ड क्लास डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। मतलब ऊपर तरफ लाइट ज़्यादा तो नीचे तरफ लाइट कम, मतलब कोई भी चीज़ इसमें अगर देखेंगे वीडियो चाहे फोटो वगैरह, एकदम मतलब बेकार एक्सपीरियंस होगा आपको। क्योंकि इसका डिस्प्ले जो एकदम थर्ड क्लास रहता है, एकदम बेकार डिस्प्ले रहता है इसका। जो आईफोन जो ओरिजिनल आईफोन होता है ना, तो उससे अगर ये डुप्लीकेट आईफोन का जो डिस्प्ले इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो जो है ओरिजिनल आईफोन का बेइज्जती हो जाएगा। मतलब इतना थर्ड क्लास डिस्प्ले इसमें आपको देखने को मिल जाता है। और जहाँ तक बात रही है जो डुप्लीकेट आईफोन है इसका कैमरा की, तो मैं आपको मैं बोलना चाहूँगा इसका कैमरा एकदम थर्ड क्लास रहता है, बेकार कैमरा रहता है। पीछे तरफ आपको दो कैमरा तो देखने को मिल जाता है, लेकिन उसमें से एक ही काम करता है और एक जो है खाली शो के लिए दिया हुआ रहता है। और जो कैमरा काम करता है वो शायद 2 मेगापिक्सल का कैमरा होता है। उसमें जो पहले जमाने में हम लोग यूज़ करते थे ना कीपैड वाला फोन में 2 मेगापिक्सल वाले कैमरा, उससे भी घटिया क्वालिटी का पिक्चर इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब ये जो डुप्लीकेट आईफोन होता है, इससे अगर आप एक फोटो खींचेंगे तो उसमें जो फोटो का क्वालिटी आपको दिखाई देगा ना, तो आपको उसको देख के लाएगा कि फोन को जो माथा में पटक के माथा तोड़ ले। मतलब इस फोन का जो कैमरा क्वालिटी है एकदम बेकार रहता है, एकदम कचरा रहता है, चाहे सामने का हो चाहे पीछे का हो, बहुत ही बेकार रहता है कैमरा। क्योंकि ये जो डुप्लीकेट फोन एक चाइनीज फोन आपको धरा दिया गया है। और जहां तक बात रहा इस टाइप का फोन का परफॉर्मेंस को, आपको मैं बताना चाहूंगा इस टाइप का फोन का परफॉर्मेंस एकदम बेकार रहता है, एकदम घटिया रहता है। मतलब हर 2 मिनट में आपका फोन जो हैक होता रहेगा, उसके बाद फ़ोन जो बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा जैसे आप चला दिए फोन को, फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा। ऊपर से आप गेमिंग को तो इस फोन में भूल ही जाओ। मतलब पबजी जैसा गेम को अगर इस मोबाइल में आप खेलना चाहेंगे तो उसको भूल जाओ, क्योंकि ये फ़ोन जो है गेमिंग के लिए बिल्कुल है ही नहीं, खाली शो के लिए है। हाँ, खाली दिखाने के लिए मेरे पास आईफोन एक्स है। और जहाँ तक बात रही है फोन का परफॉर्मेंस की, तो एकदम बेकार होने वाला है ना, इसमें आप गेम खेल सकते हैं। और थोड़ा सा जो जहाँ यूज़ कर दिए फोन जो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, मतलब इस फोन का जो परफॉर्मेंस है पूछो मत, एकदम बेकार होने वाला है। और जहाँ तक बात रहा इस टाइप का फोन का बैटरी की, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस टाइप का फोन का अगर आप फुल चार्ज कर देंगे तो आपका जो बैटरी है मुश्किल से 8 घंटा तक टिक सकता है। और जहाँ आप थोड़ा सा हैवी यूज कर दिए तो भाई 4 से 5 घंटा ही जाएगा इस फोन का बैटरी। मतलब इस फोन का जो बैटरी, इसको चार्ज करते करते थक जाएंगे। और साथ में इस फोन का बैटरी जो कुछ दिन बाद फूलने लगता है, मतलब इस टाइप का जो डुप्लीकेट आईफोन आता है, इस टाइप का जो फोन आता है उसका जो बैटरी होता है ना, वो कुछ दिन में देखिएगा फुल जाता है। मतलब बैटरी जो है भाई आपका चलने वाला नहीं है। और दोस्तों सबसे बड़े जो नेगेटिव पॉइंट इस टाइप का फोन की, वो हो गया कि इस फोन में तो आप 10 हज़ार रुपये लगा दिए, लेकिन 10 महीना भी इस फोन का यूज नहीं कर पाएंगे। मतलब मुश्किल से जो है ये फोन 7 से 8 महीने तक टिक सकता है, मुश्किल से। क्योंकि इसमें ना आपको ढंग का डिस्प्ले मिल रहा है, ना आपको ढंग का बैटरी मिल रहा है, मतलब कोई चीज़ इसमें आपको ढंग का नहीं मिल रहा है। खाली आपको शो के लिए धरा दिया जा रहा है इस टाइप का फ़ोन, जो कि आप 7 से 8 महीना बड़ी मुश्किल से यूज कर पाएंगे, उसके बाद जो आपका फ़ोन बिल्कुल नहीं टिकने वाला है। और इस टाइप का फ़ोन जहाँ एक बार ख़राब हुआ, बनने का भाई चांस बहुत ही कम रहता है। क्योंकि इसमें जो मटेरियल वगैरह यूज होता है हमारे इंडिया में बहुत कम मिलता है, और मिल भी गया तो मतलब हर 2 हफ्ता में, 1 हफ्ता में आपको जो है
कुछ ना कुछ उसमें खराबी होते रहेगा, तो आपको बनाते रहना पड़ेगा इसको। तो अगर कुल मिला के बात करें तो भाई मेरे ख्याल से इस टाइप का फ़ोन का आपको नहीं लेना चाहिए। मतलब ये जो आईफोन एक्स मिल रहा है डुप्लीकेट वाला 10,000 में, इस टाइप का फ़ोन का आपको बिल्कुल ही नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि 10,000 रुपये में भाई आजकल बहुत ही अच्छे अच्छे एंड्रॉयड फ़ोन आ जा रहा है, जिसमें आपको अच्छा कैमरा मिल जा रहा है, 4,000 में इसके बैटरी मिल जा रहा है, अच्छा खासा डिस्प्ले देखने को मिल जा रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाएगा उसमें आपको, अच्छा खासा गेमिंग भी आप उस फोन में कर पाएंगे। तो ऐसे में जो है खाली एक आईफोन का लोगो के लिए, दिखावा के लिए भाई हम डुप्लीकेट आईफोन एक्स क्यों खरीदें, वाई मेरे ख्याल से कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। आपको अगर आईफोन ही खरीदना है तो ओरिजिनल आईफोन खरीद लीजिए ना भाई, कुछ पैसे इकट्ठा करिए, 2 दिन बाद लीजिए, लेकिन ओरिजिनल आईफोन खरीद लीजिए। लेकिन इस टाइप का जो है दिखावा का चक्कर में, इस टाइप का घटिया क्वालिटी का आईफोन को आपको, मतलब जो डुप्लीकेट आईफोन होता है इसको आपको नहीं खरीदना चाहिए, इसमें आपको घाटा का सौदा है। क्योंकि 10,000 रुपये आप उसमें इन्वेस्ट कर दे रहे, लेकिन आप वो फ़ोन जो है 7 से 8 महीना तक यूज़ कर पाएंगे, और वो जो 7 से 8 महीना आपका रहेगा मेरे ख्याल से आपका दिन देखकर सबसे घटिया 7 से 8 महीना रहेगा, क्योंकि ये जो फ़ोन है वो आपको बहुत ही तंग करते रहेगा, मतलब आप जो ही फ़ोन से तंग आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको जो है 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके कोई अच्छा एंड्रॉयड फ़ोन ले लेना चाहिए, क्योंकि 10,000 रुपये के अंदर बहुत ही अच्छा अच्छा एंड्रॉयड सेट आ जाता है। तो दोस्तों यही था डुप्लीकेट आईफोन एक्स के बारे में सब कुछ जो कि आपको मैं बता चुका हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि जो सारी चीज़ आपको मैं समझने की कोशिश कर रहा था वो सारी चीज़ आप समझ चुके होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपका मन में कोई भी सवाल है ये जो डुप्लीकेट आईफोन एक्स इसको लेकर के, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम जोर से जरूर कोशिश करेंगे आपका सवाल का जवाब देने की। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो है ये आपको अच्छा लगा, ये जानकारी आपको अच्छा लगा। तो ऐसे में ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपना दोस्त अपने फैमिली वाले, ताकि जो जानकारी इसके बारे में उन लोग भी जान पाए। और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो रोजाना देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो में रोजाना आपके लिए लाते रहता। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर से हाजिर होंगे एक नए वीडियो का, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।